जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय के ऊपर बोलने वाले हैं वो आपके सामने है, फील्ड मार्शल सैम माणेकशॉ या जनरल माणेकशॉ या सिर्फ माणेकशॉ। ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के सबसे बड़े हीरो थे, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि उन्होंने हमारे देश को, पाकिस्तान को दो टुकड़े में बांटने में कैसे मदद की, उन्होंने किस प्रकार का नेतृत्व हमें दिया और इसका आज हमारी देश की सुरक्षा के ऊपर क्या असर हो रहा है। आपको पता है कि 16 दिसंबर यानी कि 4 दिन पहले जो लिबरेशन वॉर बांग्लादेश के लिए किया गया था उसके 49 इयर्स पूरे हो गए। इतना ही नहीं तो अभी 50th ईयर शुरू हो रहा है और देश ने फैसला किया है कि अगले एक साल जो 50वां साल बांग्लादेश लड़ाई का शुरू हो रहा है इसके ऊपर अलग अलग कार्यक्रम होंगे और देश के सामने इस लड़ाई के अंदर भारतीय सेना ने जो शूरता दिखाई थी उसका एग्जाम्पल सबके सामने लाया जाएगा ताकि जो नई पीढ़ी है उन्हें एक अच्छा एग्जाम्पल मिले कि 50 साल पहले हमारी सेना ने पाकिस्तान को कैसे दो टुकड़ों में बांट दिया जिससे हमारी देश की सुरक्षा काफी अच्छी हो गई। आज इस लड़ाई के एक बड़े इंपॉर्टेंट हीरो थे फील्ड मार्शल सैम माणेकशॉ या उस समय जनरल सैम माणेकशॉ। जब मैंने यहाँ पे टाइटल लिखने की कोशिश की उनके नाम के सामने जो शूरता पुरस्कार थे वो इतने ज्यादा थे कि मैं उसे लिख ही नहीं पाया। PVSM, AVSM, VSM, मिलिट्री क्रॉस ब्रार, ADC, इतना ज्यादा कि ये जो टाइटल लिखने के लिए जो जगह होती है इसमें जो स्पेस थी वो कम पड़ रही थी। तो देखिए ये कितने शूर सेनापति थे। हम शुरुआत करते हैं उनकी थोड़ी सी पहली जीवन से। उनका जन्म अमृतसर में हुआ था, वो रिलीजन से एक पारसी थे और उनकी जो सबसे पहली यादगार है कि वो डॉक्टर बनना, उनकी उनकी जो फादर थे वो डॉक्टर, वो चाहते थे कि फील्ड मार्शल डॉक्टर बने लेकिन इनका इंटरेस्ट ज्यादा सेना में था और वो सेना में चले गए। और जब दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ तो दूसरे महायुद्ध के अंदर म्यांमार या बर्मा या ब्रह्मदेश की सीमा के ऊपर जापान के साथ जो लड़ाई हो रही थी उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। तो एक इस लड़ाई के अंदर की उनकी पहली याद है कि जब वो सीरियसली इंजर्ड हो गए उनके शरीर में 9 गोलियां घुस गई और उसके बाद वो गंभीर जख्मी हो गए थे और उनको ट्रीटमेंट के लिए पीछे लाया गया और हॉस्पिटल में लाया गया। हॉस्पिटल के जब ऑपरेशन थिएटर में उनको टेबल पे रखा था और सर्जन ने जब उनकी हालात देखी कि इतना खून चला गया है, इतनी गोलियां लगी हुई है, तो उन्होंने जोर से बोला कि इस सैनिक की बचने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर ऑपरेशन करके जो बुलेट्स है ये नहीं निकालूंगा। इसी समय फील्ड मार्शल माणेकशॉ, इनकी होश आ गई थी और उन्होंने अपनी आंख खोली थी। तो उनकी खुली हुई आंख को देखते हुए सर्जन अभी वहां उनके टेबल से दूर जाने ही वाले थे, तब सर्जन ने पूछा कि भैया यंग मैन व्हाट हैपेंड टू यू, यानी कि ये यंग सोल्जर आपकी ये जो हालात हुई है ये कैसे हुई है। माणेकशॉ जो डेथ बेड पे थे और डॉक्टर के कहने के मुताबिक उनकी जीने की उम्मीद बहुत ही कम थी, माणेकशॉ ने क्या रिप्लाई किया, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे एक गधे ने लात मारी है, अ डोंकी हैज किक्ड मी ऑन माय हेड, या इसलिए ये मेरी हालात हो गई। सर्जन ने जब ये बात सुनी कि ये जो आदमी अभी मरने वाला है ये बोलता है कि एक गधे ने मुझे लात मारी इसलिए मेरी ये हालात हुई, तो उनका ये जो फाइटिंग स्पिरिट था, उनकी जो एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ थी, वो देख के वो सर्जन इंप्रेस हुआ
उन्होंने फिर टर्न बैक किया और उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर ऑपरेशन करूंगा और गोलियां जो तुम्हारी बदन में गई है उसे निकालने की कोशिश करूंगा। इसके बाद जो हुई वो एक सक्सेस स्टोरी है। शस्त्रक्रिया या ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, जो आदमी मरने वाला था वो बच गया और रेस्ट इज अ हिस्ट्री। और उसके बाद मानेकशॉ हमारे देश के इंडिपेंडेंस के बाद या 1947 के बाद सबसे सक्सेसफुल मिलिट्री लीडर बने, जिन्होंने हमारी देश की सुरक्षा बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद की। और इसी ब्रेवरी के लिए जहां पे उनको 9 गोलियां लगी थी, उस समय का जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड था मिलिट्री क्रॉस, उससे उन्हें सम्मानित किया गया। उसके बाद जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 के अंदर, आपको पता होगा कि उस समय पहले 1-2 साल हमारी सेना की जो कमान थी वो ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास थी, लेकिन मानेकशॉ एक बहुत ही कम ऑफिसर्स में थे कि जिन्हें 1947 की लड़ाई के अंदर जो मिलिट्री ऑपरेशंस की जो ब्रांच होती है इसमें उनको नियुक्त किया गया। इसमें नियुक्त होना एक बहुत बड़ा ऑनर है। तो ये दिखाता है कि ब्रिटिशर्स भी उनकी जो प्रोफेशनल नॉलेज थी, उनकी जो युद्ध क्षमता थी, वो उसके बारे में कितना उन्हें रिगार्ड था, ये आपके सामने आता है। 47 के वॉर में उन्होंने क्या किया इसके लिए बोलने के लिए समय नहीं है। 1962 के अंदर जब हमारा राजकीय पराभव हुआ, उस समय लड़ाई खत्म होते होते फील्ड मार्शल सैम मानिकशॉ को तेजपुर में 4 कोर कमांडर बनाया गया। और उसके बाद हमने कभी पीछे देखा नहीं। अनफॉर्चुनेटली उन्हें काफी लेट इस लड़ाई में लाया गया। अगर वो पहले होते तो शायद 62 के लड़ाई का भी हालात कुछ और ही हो जाता। 62 के लड़ाई के बाद काफी मिलिट्री में अपहयोल हुआ। जो जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया था, जनरल थापर जैसे लोग, उनको वहां से निकाल दिया था। तो उसके बाद हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो सोचती थी कि सैम मानेकशॉ जी को अभी सेना भारतीय सेना का सेनापति बनाया जाए, लेकिन सैम मानेकशॉ जी ने नकार दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं सीनियर मोस्ट नहीं हूँ, मेरे पहले जनरल चौधरी है, मेरे पहले जनरल कुमार मंगलम है, पहले ये बनने चाहिए चीफ। और सरकार ने वही कार्रवाई की। जनरल चौधरी 1965 वॉर के अंदर हमारे चीफ थे, उसके बाद जनरल कुमार मंगलम ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। और उसके बाद तकरीबन 1970 के अंदर फील्ड मार्शल सैम मानिकशॉ ये हमारे आर्मी चीफ बन गए। तो उनकी देखिए, उन्होंने उनमें क्या जज्बात था, उनके अंदर क्या एक्सपीरियंस था कि उन्होंने बोला कि मैं गलत चीज नहीं करना चाहता हूँ, सीनियोरिटी को आपने सम्मान देना चाहिए। अभी उनके बारे में बोले तो इतने ज्यादा किस्से हैं कि सभी ये किस्से कवर करना आसान नहीं है। तो हम सीधा 1971 के लड़ाई के ऊपर आते हैं। इसके ऊपर मैंने इसके 2-3 एपिसोड किए हैं। ये लड़ाई कैसे शुरू हुई, वेस्टर्न सेक्टर में लड़ाई कैसे लड़ी गई, ईस्टर्न सेक्टर में लड़ाई कैसे लड़ी गई, इसके बारे में मैंने पहले ही बातचीत की है, तो इसे मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन आज इस लड़ाई के अंदर मानेकशॉ का क्या रोल था इसके बारे में बातचीत करूंगा। आपको पता है कि 80 लाख बांग्लादेशी ये भारत में आए थे, हमारे इकोनॉमी को धक्का बैठा हुआ था। जो वहां पे जो बंगाली हिंदूज थे उन्होंने मारना शुरू हो गया था। तो इसलिए जो हमारी राजकीय नेतृत्व उस समय था, यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो देश के पंत प्रधान थी, वो चाहती थी कि लड़ाई तुरंत शुरू की जाए। तो मार्च के महीने में उन्होंने जनरल मानेकशॉ को बुलाया और बोला कि परिस्थिति बहुत गंभीर है, आप लड़ाई तुरंत शुरू करिए, क्या आप लड़ाई के लिए तैयार है। तो उसके ऊपर जनरल मानेकशॉ ने रिप्लाई दिया, हम लड़ाई के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हमारी जो आर्मर्ड डिव है उसके रणगाड़े कम है, रणगाड़े रिपेयर नहीं है, हमारे पास एम्यूनिशन की कमी है, हमारे पास तोपों की कमी है, हमारे पास जो शस्त्र है वो ऑन रोड नहीं है, वो ऑफ रोड है,
रिपेयर करने के लिए अर्थ मंत्रालय पैसे नहीं दे रहा है, स्पेयर पार्ट्स नहीं है, इसलिए बहुत सारी बड़ी शस्त्र ये ऑफ रोड है। अभी कुछ दिनों के अंदर मॉनसून यानी कि बारिश शुरू होने वाली है और उस समय बांग्लादेश के अंदर और या उस समय के ईस्ट पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा बारिश होती है, वहां पे नदियों को पूर आ जाता है कि इसके कारण वहां पे लड़ाई लड़ना ये इम्पॉसिबल है। इतना ही नहीं तो हमारी जो सेना है ये वेस्टर्न सेक्टर के ऊपर बेस्ड है, तो उन्हें यहाँ पे लाना पड़ेगा। इतना ही नहीं तो इस लड़ाई के अंदर चाइना पाकिस्तान की मदद कर सकता है। अगर चाइना की मदद को रोकना है तो ऑफ कोर्स आपको पहले जो जो पासेस है इस पासेस को बंद होने की राह देखनी पड़ेगी। नवंबर के बाद यहाँ पे बर्फ पड़ना शुरू हो जाता है और चाइना ये जो नॉर्दर्न बॉर्डर है उसे एक्टिवेट करके पाकिस्तान को मदद नहीं कर सकता। बहुत ही बढ़िया ये प्रोफेशनल एडवाइस था, लेकिन उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि उस समय किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी को बोले कि आप बोल रहे हो लड़ाई करो लेकिन मैं लड़ाई के लिए तैयार नहीं हूं। जैसे ही उन्होंने ये एडवाइस दिया तो उसके बाद उनके जो राजकीय नेतृत्व था उन्होंने फील्ड जनरल मानेकशॉ के ऊपर दबाव डालना शुरू किया कि आप युद्ध शुरू करो। मानेकशॉ ने उन्हें बोला कि अगर आपको लड़ाई करनी है तो मैं लड़ाई के लिए तैयार नहीं हूं, मैं सेना को इस लड़ाई में ले जा नहीं सकता हूं क्योंकि इसमें जो हमें हासिल करना है वो हासिल नहीं होगा, आपको नवंबर तक रुकना ही पड़ेगा, दिसंबर के अंदर लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी और अगर आप सोचते हैं कि आपने उसके पहले लड़ाई करनी है तो आपको मुझे बर्थरफ करना पड़ेगा, यू लाइक टू सैक मी। और उस समय एक दुष्प्रचार शुरू हुआ था कि मानेकशॉ डर रहे हैं, अभी यह समय है कि पाकिस्तान की पूरी तैयारी नहीं है, बांग्लादेश के अंदर तो लड़ाई अभी शुरू करो। लेकिन मानेकशॉ की जो प्रोफेशनल जजमेंट थी, उनका जो प्रोफेशनल एडवाइस था, यह कितना सही था ये बाद में सिद्ध हुआ है। मिसेज इंदिरा गांधी अपने नेतृत्व को अच्छी तरह से जानती थी तो उन्होंने पूछा कि लड़ाई कब करनी चाहिए और आप लड़ाई को किस प्रकार से जीतोगे, तो मानेकशॉ ने बिल्कुल फ्रीली बोला कि दिसंबर में लड़ाई शुरू करो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि यह लड़ाई हम जीतेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह प्रस्ताव मान लिया और उसके बाद क्या हुआ ये आपको पता है। लेकिन इसके पहले जनरल मानेकशॉ ने श्रीमती गांधी को बताया था कि जो लड़ाई होगी वो एक प्रोफेशनल तरीके से होगी, वो उसमें किसी ने भी पॉलिटिकल नेतृत्व ने इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, प्रोफेशनल जजमेंट हमारी यहाँ पे चलेगी। श्रीमती गांधी ने यह सब मान्य किया और उसके बाद लड़ाई के लिए तैयारी की गई और इसीलिए कि फील्ड मार्शल और श्रीमती इंदिरा गांधी एक दूसरे से डायरेक्टली बात करते थे, इसलिए जो सेना को तैयारी करनी थी उसमें पूरी मदद मिल गई, कोई भी नौकरशाही है कोई भी ब्यूरोक्रेसी है उसे रोक नहीं पाई। उसके बाद मानेकशॉ ने तैयारी करना शुरू कर दी, रणगाड़ा का प्रोडक्शन बढ़ गया, तोफों का प्रोडक्शन बढ़ा गया, एम्यूनिशन की डेफिशिएंसी कम की गई, सैनिकों की जो संख्या बढ़ानी थी वो बढ़ गई, यानी कि सेना को जो ये करना था, जो चाइना बॉर्डर का जब बर्फ पड़ना शुरू हो गया तो जो फौज चाइनीज बॉर्डर पे थी 4 कोर और 33 कोर, अगर आपको सेना की डिप्लॉयमेंट पता है तो उन्हें इस बॉर्डर के ऊपर लड़ाई के लिए लाया गया। और आपको पता होना चाहिए जब लड़ाई शुरू हुई तो पहले ईस्ट पाकिस्तान में या बांग्लादेश में पाकिस्तान की तकरीबन 2 डिवीजन सेना थी, यानी कि तकरीबन 40,000 सेना और 50 से 60,000 उनके पैरामिलिट्री फोर्सेस थे। उसके जो 6 महीने बीच में आ गए तो उन्होंने जो उनकी सेना की जो संख्या थी वो 2 से 4 पे बढ़ा दी, यानी कि 2 डिवीजन की जगह पे वहां पे 4 डिवीजन आ गई। और हमारा जो यानी कि जब लड़ाई शुरू हो गई तो वहां पे 4 डिवीजन या समझ लीजिए 80 से 90,000 सोल्जर्स थे और 70 से 80,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस वो उस इलाके में बांग्लादेश की या ईस्ट पाकिस्तान की रक्षा के लिए थे। और उसके खिलाफ हमने लड़ाई के लिए तकरीबन 6 डिवीजन का इस्तेमाल किया, उसमें से आधी फौज तो ये केवल चाइनीज बॉर्डर से आई थी। मानेकशॉ ने एक और अच्छी जजमेंट की, उन्होंने देखा कि पाकिस्तान का इरादा है कि जो ईस्ट पाकिस्तान के जो बड़े शहर है
उसे एक किले के मुताबिक उसकी किलाबंदी की जाए, जिसको फोर्ट्रेस कॉन्सेप्ट ऑफ डिफेंस बोलते हैं या जिसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट डिफेंसेस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए उन्होंने एक नया टैक्टिक्स इस्तेमाल किया, जो बॉर्डर आउटपोस्ट थी भारत और ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर, उसके ऊपर भारतीय सेना ने सितंबर अक्टूबर में हमले करने शुरू कर दिए। बटालियन और ब्रिगेड लेवल की एक्शन हो गई, और जिस पे जो उनकी बॉर्डर आउटपोस्ट थी या बॉर्डर के ऊपर जो थाना था, तकरीबन 30-40 जगह पे इस प्रकार के हमले हुए। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा यह हुआ कि पाकिस्तान एकदम डर गया। उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाए थे ढाका से, म्यांमार सिंह से, जेसोर, जो उनके अलग अलग बड़े शहर थे, वहां से काफी सेना निकाली और उसे बॉर्डर के ऊपर भेज दिया बॉर्डर की रक्षा करने के लिए। और जब लड़ाई शुरू हुई तो पाकिस्तानी सेना ना बॉर्डर के ऊपर स्ट्रॉन्ग थी ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट के ऊपर, तो इसीलिए अपनी फौज को डिस्पर्स करने के लिए फील्ड मार्शल जी ने पाकिस्तानी सेना को मजबूर कर दिया। अभी मैं तुरंत आ जाता हूं 3 दिसंबर के ऊपर, क्योंकि लड़ाई के बारे में डिटेल में बात करें तो समय की कमी होगी। 3 दिसंबर को अचानक पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हमला किया और लड़ाई शुरू हो गई। हमारी एयरफोर्स ने अपने विमान पहले ही लेफ्ट राइट डिस्पर्स कर दिए थे, इसलिए हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। इस समय जब ये लड़ाई ये जब बात हुई, तभी श्रीमती इंदिरा गांधी ये दिल्ली में नहीं थी। इसके सिवाय जगजीवन राम जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो भी दिल्ली में नहीं थे, लेकिन मानेकशॉ ने बिल्कुल किसी की वेट नहीं की। उन्होंने बोला कि लड़ाई शुरू करो, देखिए अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में उनमें क्या कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे प्राइम मिनिस्टर से या डिफेंस मिनिस्टर से ऑर्डर नहीं मिली है। उन्हें कॉन्फिडेंस था कि मैं लड़ाई शुरू करने का हुक्म दूंगा, प्राइम मिनिस्टर उसे मान लेंगी और लड़ाई अच्छी तरह से शुरू हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने म्यांमार सीमा से पाकिस्तानी सेना को सील किया ताकि वो वहां पे भाग ना पाए, समुद्र की तरफ से भी उनकी नाकेबंदी कर दी। और लड़ाई जब शुरू हुई 4 दिसंबर को, और आपको पता है कि 16 दिसंबर को यानी कि 14 दिन के बाद पाकिस्तानी सेना का पराभव कर दिया, वहां पे जो लश्करी स्ट्रेटेजी लश्करी टैक्टिक्स जो इस्तेमाल हुई वो एक कॉपी बुक प्रेजेंटेशन था कि लड़ाई किस प्रकार से लड़ी जाए। आज भारतीय सेना में इस जो 71 की लड़ाई है उसका अभ्यास किया जाता है कि ये लड़ाई किस प्रकार से जीती गई। पूरी दुनिया में इस लड़ाई का अभ्यास किया जाता है कि यहाँ पे टैक्टिक्स किस प्रकार से इस्तेमाल हुई। अलग अलग टैक्टिकल जो उन्होंने वहां पे आइडियाज इस्तेमाल की, उसमें से 2-3 के ऊपर मैं बात करूंगा। भारत के इतिहास में पहली बार एयर ड्रॉप हुआ। हमारी जो पैरा ब्रिगेड थी, ये पैरा ब्रिगेड को उसकी एक बटालियन को ड्रॉप किया गया टंगेल के ऊपर, उसे टंगेल पैरा ड्रॉप बोला जाता है। और शायद आपको पता है इसलिए कि मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, ये जो बटालियन ड्रॉप की गई वो सेकंड पैरा थी, यानी कि वो थर्ड मराठा से उन्हें सेकंड पैरा बनाया गया था। और उसके जो कमांडर थे उस समय ब्रिगेडियर मैथ्यू थॉमस, आज वो रिटायर्ड होके पूना में सेटल है, बहुत ही बढ़िया पैराट्रूपर थे। बहुत सारे हीरोज थे इस लड़ाई के अंदर, ये बाकी के जो हीरोज है उनके बारे में कभी और मौका मिलेगा तो हम उनके ऊपर बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन पैरा ड्रॉप किया गया। उसके बाद हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये एरिया ऐसा था कि यहाँ पे बहुत नदियां थी, तो नदियों को पार करना, उसके ऊपर ब्रिजेस नहीं थे, रास्ते नहीं थे, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए ये आगे ये ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस किया गया। वहां पे जो सेना की जो हरकत करनी थी, जो मूवमेंट करनी थी, लॉजिस्टिक मूवमेंट आगे जाना था, तो उसके लिए वहां पे जो लोकल वाहनें मिलती थी, यानी कि बैलगाड़ी थे वहां पे, घोड़े थे वहां पे, रिक्शा थी वहां पे, साइकिल्स थी, इसके भी फोटोग्राफ आज अवेलेबल है। सावरकर स्मारक के जो एक कर्नल पुतांबेकर है जो फर्स्ट मराठा में थे, वो भी इस लड़ाई में शामिल थे, तो आपको फर्स्ट मराठा की कुछ फोटोग्राफ मिल जाएगी कि साइकिल के इस्तेमाल करते हुए ये ढाका की तरफ किस प्रकार से आगे बढ़े। लेकिन इसके ऊपर बातचीत कभी शायद हम
अब कभी और कभी करेंगे। तो ये जो हमने आक्रामक कार्रवाई की, इससे पाकिस्तानी सेना एकदम कंफ्यूज हो गई। पाकिस्तानी सेना सोचती थी कि जो उन्होंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट तैयार किया था जेसोर के पास, वहां पे हम हमारा सर मारेंगे और उसे जीतने की कोशिश करेंगे। भारतीय सेना ने उसे बाईपास कर दिया और जो उसे पीछे जाने का जो रास्ता था, जो उन्होंने ढाका की तरफ जाना था, वो रास्ता ही बंद किया गया। तो ये जो टैक्टिक्स थी बाईपासिंग की वगैरह, ये इतनी बढ़िया थी कि पाकिस्तान कुछ सोच ही नहीं पाया कि क्या होना चाहिए। इसके सिवाय जो मुक्ति वाहिनी नाम का एक कमांडो फोर्स भारतीय सेना ने तैयार किया था, उसे उसका जो बंगाल रेजिमेंट के सोल्जर्स थे जो डिफेक्ट हो गए थे, उनको मुक्ति वाहिनी में कन्वर्ट किया था। और उनकी जो हमारी कमांडो विंग है, जो बेलगाम में स्थित है कमांडो विंग, जिसे जिसकी जिसका एक मूवी थी प्रहार नाम की, श्री नाना पाटेकर जी की, उसमें उसका बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया था। वहां पे उनकी ट्रेनिंग की गई, उन्होंने पाकिस्तान की जो सेना है उसके ऊपर हमले करने पीछे से शुरू कर दिए, गन्स के ऊपर हमले किए, जिससे पाकिस्तानी सेना का जो मनोबल है, जो मोराल है, ये काफी कम हो गया। 9 दिन युद्ध होने के बाद 13 दिसंबर को फील्ड जनरल मानेकशॉ ने पाकिस्तान के खिलाफ एक साइकोलॉजिकल वॉर या मानसिक वॉर शुरू कर दिया। उन्होंने उनको एक इशारा दिया कि देखो अभी आपको चारों बाजू से हमने घेरा हुआ है, मुक्ति वाहिनी आपके ऊपर हमला करेगी, भारतीय सेना आपको मार देगी, आप क्यों लड़ाई लड़ रहे हो, आप अपनी जो फैमिलीज आपकी पाकिस्तान में है वहां उनके पास मिलने के लिए क्यों नहीं जाते हो, आप क्यों मरना चाहते हो। सच बात ये थी कि ये जो प्रोपोगंडा शुरू हो गया, ये जो मानसिक युद्ध शुरू हो गया, पाकिस्तानी सेना के ऊपर लीफलेट्स, ये समय सोशल मीडिया का नहीं था, व्हाट्सएप का नहीं था, ट्विटर का नहीं था कि एक मैसेज आप ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर डाल के सभी को इन्फॉर्म करें। तो हवा से जो लीफलेट्स है पाकिस्तानी सेना के ऊपर डाल दिए कि सरेंडर करो सरेंडर करो, उनको मैसेज दिया गया, जिससे उनका जो मोराल था ये एकदम कम होना शुरू हो गया। और सब जगह पे उन्होंने बोला कि चलो अभी हम सरेंडर करते हैं। तो जब सरेंडर का समय आ गया तो उस समय की बात ये थी कि पाकिस्तानी आर्मी बिल्कुल इंटैक्ट थी। आपको शायद पता होगा कि इस लड़ाई के अंदर जो पाकिस्तानी सेना जो मारी गई तकरीबन 1,500 के आसपास थी, 94,000 सेना ने वहां पे सरेंडर किया और कुछ ने भागने की कोशिश की। तो यानी कि जस्ट 2% या 3% सेना ने अपना प्राण दिया। तो ये मानेकशॉ का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर देखो, उनका प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस देखो कि कम से कम खून बहाने के बाद उन्होंने ये लड़ाई जीता, क्योंकि खून बहा के लड़ाई जीतना ये जनरलशिप नहीं है। और मानेकशॉ का ये जो युद्ध कौशल था एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास था। और उसके बाद वो हमारे देश के 1947 के बाद सबसे सक्सेसफुल जनरल रहे। उनको युद्ध नीति की जान थी, वो किसी भी विषय का अभ्यास बहुत ही डिटेल में करते थे, राष्ट्रीय नेतृत्व को बिल्कुल अच्छा एडवाइस देने की उनमें हिम्मत थी, सैनिकी मूल्य जो होते हैं, लॉयल्टी है, ब्रेवरी है, ऑफेंसिव स्पिरिट है, उसके ऊपर उनकी निष्ठा थी। और सबसे बड़े उनकी क्वालिटी थी कि जो अपने खुद के सोल्जर्स है उनको, उनका मनोबल कैसे बढ़ाया जाए ये भी बहुत अच्छा था। तो ये सब क्वालिटीज थी फील्ड मार्शल की। और शायद आपको पता होना चाहिए कि फील्ड मार्शल का जो उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो किताब है, इसका आज भी इंडियन आर्मी स्टडी करती है। और मेरे ख्याल से आज हमें किसी भी और फील्ड में अच्छे नेतृत्व की जरूरत है कि जो नेतृत्व इस प्रकार की लड़ाई जीतने में हमें मदद करे। जरूरी नहीं है कि केवल ये हथियार की लड़ाई हो, या हर एक अलग अलग फील्ड में हमें फील्ड मार्शल की दर्जे की नेतृत्व की आज जरूरत है। अभी मैं अगले 2 मिनट में रुकने वाला हूं, तो सिर्फ मैं 2-3 ही चीजें और बताऊंगा कि फील्ड मार्शल मानेकशॉ वाज वन ऑफ द बिगेस्ट हीरोज ऑफ 1970 वॉर, हमारे लड़ाई के वो सबसे बड़े शिल्पकार थे। 72 साल को उन्हें पद्म विभूषण दिया गया। 1973 में उनको फील्ड मार्शल बनाने का
प्लान श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनाया, लेकिन उनके काफी सारे एडवाइजर्स ने बोला कि ये बिल्कुल मत बनाओ, इससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे वगैरह। लेकिन श्रीमती गांधी ने किसी की नहीं सुनी और 1973 में उन्हें फील्ड मार्शल का सम्मान दिया गया। फील्ड मार्शल कभी भी रिटायर नहीं होते हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस के वो सबसे पहले फील्ड मार्शल थे। लेकिन उसके बाद 2008 में उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि ऑलमोस्ट आप देखिए 23 साल के बाद। लेकिन फील्ड मार्शल का जो पगार होता है वो देश ने कभी नहीं दिया, चलो वो पगार के लिए कभी किसी से बातचीत नहीं करते थे। इसके सिवाय जब उनका डेथ हो गया तो उनके जो लास्ट राइट्स हुए, कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप उनके लास्ट राइट के लिए नहीं गए। जो देश का सबसे बड़ा मिलिट्री हीरो था, उनके लास्ट राइट के लिए अगर लीडरशिप नहीं जाती तो ये कितनी खराब बात है आप समझ सकते हैं। लेकिन ये अपमान फील्ड मार्शल मानेकशॉ का नहीं था, ये अपमान देश का था। आजकल आपको पता है कोई भी सोल्जर का डेथ होता है एलओसी के ऊपर वगैरह, तो जब उसके लास्ट राइट्स उसके विलेज में किए जाते हैं तो सभी लीडर्स उसे सल्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब उसे श्रीनगर से लाया जाता है वहां पे गवर्नर सल्यूट करते हैं, दिल्ली में उसे सल्यूट दिया जाता है। उसके बाद समझ दीजिए वो जैसे एक अभी हमारे जवान का कल ही डेथ हुआ, उसे औरंगाबाद लाया गया, उसे वहां पे सल्यूट किया जाता है। और जहां पे लास्ट राइट्स होते हैं वहां पे वहां के जितने भी नेता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, वो सभी वहां पे होते हैं। सभी जितने गवर्नमेंट सोल्जर्स सर्वेंट्स होते हैं वो भी वहां पे होते हैं, और हजारों लाखों की संख्या में सोल्जर्स के लास्ट राइट के लिए सब लोग वहां पे आ जाते हैं, क्योंकि वो देश उन्हें उनका जो अंतिम मान है वो देना चाहता है। लेकिन दुख की बात यह है कि एक राष्ट्रीय शोकांकिका है कि फील्ड मार्शल का जब मृत्यु हो गया वेलिंगटन के अंदर, तो उनको लास्ट राइट देने के लिए फौज के कुछ लोग छोड़ के वहां पे कोई नहीं था। लेकिन ये अपमान देश का है, फील्ड मार्शल का नहीं था। मेरे ख्याल से मैं यहीं पे रुकता हूं और इतना ही बोलना चाहता हूं कि जिस प्रकार का नेतृत्व फील्ड मार्शल ने हमें उस दिनों में दिया, उस प्रकार की नेतृत्व की आज जरूरत है हर एक फील्ड के अंदर, अगर देश में एक महाशक्ति बनना है या देश ने चाइना के साथ जो लड़ाई जो हजारों जो आगे काफी दिन काफी साल चलने वाली है वो जीतनी है। तो मैं यहीं पर रुकूंगा, मुझे कुछ यहाँ पे सवाल नजर नहीं आ रहे हैं। वराडकर जी वंदे मातरम बोल रहे हैं, प्रकाश ओखले जी वंदे मातरम बोल रहे हैं, आप सबको जय हिंद वंदे मातरम। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। उसके बाद सुबोध जी बोल रहे हैं कि विजय के कारण थे और युद्ध बंदियों को इंदिरा गांधी ने काफी छुड़वाया था। इसके ऊपर मैंने बात की हुई है कि शायद हमने उस समय तीन गलतियां की। लड़ाई के बाद हमने जो 94,000 जो प्रिजनर्स छोड़े वो तो छोड़ने थे, लेकिन आज भी पाकिस्तान के जेल में हमारे तकरीबन 54 सोल्जर्स है। शायद अभी वो तो काफी बूढ़े हो गए होंगे, उसमें से कुछ शायद उनकी जान भी चली गई होगी, लेकिन हम उन्हें वापस नहीं लाए पाए। दूसरा जो कश्मीर का मसला था हम कायम का सॉल्व कर सकते थे लेकिन वो हम नहीं कर पाए। तीसरा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो एक नैरो नेक है, बांग्लादेश को की मदद से हम वहां पे थोड़ी जमीन लेते ताकि ये जो कॉरिडोर है जो बहुत ही नैरो है उसे ब्रॉड बना सकते थे। चलो ये बट और इफ की बातें हैं, इसके ऊपर अभी हम बात नहीं करेंगे। नागवेकर जी बोल रहे हैं कि हम सपोर्ट करें, हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, डिफेंस सर्विसेज को, बिल्कुल ही तक आपकी सही बात है। अगर अभी फरवरी के अंदर डिफेंस बजट आएगा उसके लिए अगर सरकार टैक्सेस लगाती है तो उसके लिए हमने कंप्लेंट नहीं करना चाहिए। आज हमारी देश की एक बड़ी शोकांतिका यह है कि देश का जो उत्पन्न है जो टैक्सेस भरने वाले लोग बहुत ही कम है, और जो टैक्सेस से जो अलग अलग प्रकार की जो सहूलियत चाहते हैं वो संख्या बहुत ज्यादा है, तो इसलिए डिफेंस बजट ये बढ़ता नहीं है। चलो वो एक अलग ही बात है, लेकिन इतना जरूरी है कि चाइना के साथ की लड़ाई बहुत दिन चलने वाली है तो उसके लिए हमने तैयार होना चाहिए। मेरा समय आ गया है रुकने का, तो आप ये जो आज का वीडियो है ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो और लाइक करो और पेज को फॉलो करो। यहीं पे मैं रुकता हूँ। जय हिंद।